फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अकिलीज कैरेक्टर कौन था। अकिलीज वॉज अ माइथोलॉजिकल फिगर। अकिलीज जो था वो हीरो माना जाता था ट्रोजन वॉर का। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक वॉरियर्स, द मोस्ट फियरलेस मैन। जब ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में युद्ध हुआ था, जो लगभग 10 साल चला था, तो उस युद्ध में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये होमर के बहुत ही फेमस वर्क इलियाड का सेंट्रल कैरेक्टर है। इसके पिता जो थे वो थे पेलियस, जो कि राजा थे फाया नाम की एक सिटी के, जो कि ग्रीस में की एक सिटी है। और इसकी माँ का नाम था नेरेडथिटिस। अब जब ये छोटा था, मतलब जब इसका बर्थ हुआ था, वेन ही वॉज एन इन्फेंट, तो इसकी माँ ने थिटिस ने क्या किया था कि इसकी हिल को पकड़कर इसे स्टिक्स नाम के एक रिवर में डुबोया था। उस रिवर के पानी ने जहाँ जहाँ इसकी बॉडी को टच किया, लगभग इसकी पूरी बॉडी जो है वो इनवल्नरेबल हो चुकी थी। मतलब उसे हराना लगभग असद अजेय हो चुका था ये। मतलब उसकी बॉडी पर कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है वो, आप कितना भी वॉर करो, उसे कुछ नहीं होता था। तो ही वॉज इनवल्नरेबल ऑन ऑल हिज बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट हिज हिल, क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ ने पकड़ के रखा था, तो स्टिक्स रिवर का वाटर जो है वो वहाँ पर नहीं लगा था। ये कमांडर था मिथिकल ट्राइब का, जिसका नाम था माइरमिडॉन्स। माइरमिडॉन्स नाम की एक ट्राइब थी जिसका ये कमांडर था। ये बहुत ही फेमस माना जाता है ट्रोजन वॉर में, क्योंकि इसने ट्रोजन प्रिंस हेक्टर को जो है वो उसी के सिटी के गेट के बाहर उसे मारा था। इलियाड में होमर ने दिखाया कि उसकी डेथ नहीं होती है, लेकिन अदर सोर्सेस जो है जहाँ पर ये कैरेक्टर अपियर होता है, वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ही वॉज किल्ड नियर द एंड ऑफ द ट्रोजन वॉर। एक पैरिस नाम के बंदे ने इसे मारा था, और उसने इसकी हिल में इसे एक एरो मारा था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। तो तभी से एकिलीज हिल नाम की फ्रेज जो है वो फेमस हो गई। मतलब ऐसा इंसान जो अदरवाइज तो बहुत ही स्ट्रांग है, मगर उसमें कोई एक वीकनेस है या एक फॉल्ट है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो इस सिचुएशन के लिए अकिलीज हिल फ्रेज जो है वो यूज़ की जाने लगी। तो ये था अकिलीज का कैरेक्टर इन शॉर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द शील्ड ऑफ अकिलीज।